फ्रेंड तो हम आ गए हैं दूसरे रसास के पास। आप लोग ये देख सकते हैं, ये दूसरा जनरेटर जो है वैसा ही है, सेम टू सेम साइज वही है, ठीक है। और ये पानी का भी बोरिंग वही है, 450 फुट नीचे यहाँ पे बोरिंग की गई है पानी आने के लिए। और डीजल का यहाँ पे दो दो टैंक रखा हुआ है, ये जो है 18-18 हज़ार लीटर का है, ये 36 हज़ार लीटर है। और जो पहला वाला हमने आपको दिखाया था वो 32 हज़ार लीटर था। तो यहाँ पे दो रसास है और एक ही से दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है पानी का कनेक्शन। तो चलिए अब अंदर फील्ड में चलते हैं। तो यहाँ पे आने के लिए बहुत ही दूर था, तो मैंने फिर मैं गाड़ी का अपना देखिए सहारा लिया, गाड़ी से आया। 1.5 किलोमीटर लंबा है जो पहला रसास मैंने आपको दिखाया था उधर वहाँ से, और इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे दो रसास है, यहाँ पे एक ये रहा, थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखिए एक ये रसास है और दूसरा जो है दूसरा ये यहाँ पे है। देखिए काफी दूरी पे है ये, मैं आपको जूम करके दिखाया हूँ, ये देखिए कितनी दूर पे ये आपको नजर आ रहा होगा। तो चलिए अंदर में, दूसरे वाले पे फसल लगी हुई है, इसकी कल कटाई होनी है, कल मशीन आएगा और कटाई चालू होगा। तो इसमें जो है आपको अपने शरीर से मेहनत कुछ भी नहीं करनी है, जो भी है यहाँ पे सब मशीन के थ्रू काम होता है, लेकिन मशीन को चलाने के लिए तो आदमी लगेगा ही लगेगा। तो थोड़ा मजरे में काम जो होता है वो हार्ड होता है। और जो मैंने आपको बताया था कि बंडल किया जाता है, तो देखिए ये है बंडल करके रखा हुआ है, ये सारा मशीन से होता है। और ये जो सूखे हुए घास हैं ये महंगे बिकते हैं, और जो हरे घास है ग्रीन ग्रीन ये थोड़े सस्ते होते हैं। तो आप देखिए ये बंडल करके रखा हुआ है, ये भी मशीन से ही बंडल होती है, हाथ से कुछ भी नहीं करना है, ये ऐसे बंडल बना के रखा हुआ है। और यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं ऐसे ढेर लगा हुआ है, ये भी हाथ से नहीं किया जाता है, मशीन जो है खुद ब खुद अपने आप उतारती है और ऐसे बंडल लगा देती है। देखिए कितने अच्छे तरीके से मशीन को डिजाइन किया गया है। और ये रहा घास जो भी लगा हुआ है, इसकी कटाई होनी बाकी है, कल या परसों इसकी भी कटाई हो जाएगी। और ये रसास है, देखिए जो मैंने आपको बताया था कि बारिश किया जाता है, तो यहीं से ये बारिश होती है। देखिए ये बारिश होती है और ये चारों तरफ इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। एक रसास ये जो है 1/2 किलोमीटर लंबा है, पूरा तो कैमरे में आना मुश्किल लग रहा है क्योंकि मैं काफी नजदीक आ गया हूँ, आपको पहले दिखाया था, ये 1/2 किलोमीटर लंबा एक रसास है। और ये दूसरा जो है ये भी 1/2 किलोमीटर लंबा है, और जो तीसरा आपको दिखाया था वो भी 1/2 किलोमीटर लंबा है। तो ये है प्रॉपर मजरे का काम, ये मजरा हो गया एक तरीके का। दूसरे तरीके का मजरा होता है जहां पे बकरी रहती है, ऊंट रहते हैं, घोड़े होते हैं, और कबूतर है, मुर्गी है, ये लोग इनकी भी फार्मिंग करते हैं, जो सऊदी हैं इनकी भी फार्मिंग करते हैं, और ये भी काफी क्या बोलते हैं प्रॉफिट वाला बिजनेस है, ये सारा ये काफी प्रॉफिट वाला बिजनेस है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट। तो मशीन आ चुकी है और देखिए जो मैंने आपको भी दिखाया था थोड़ी देर पहले, इसकी कटाई भी चालू हो गई। देखिए ये मशीन है और इसकी कटाई, घास की कटाई चालू हो गई। तो मैं थोड़ा आपको पास में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत ही मशीन में साउंड है, फिर आवाज़ भी क्लियर नहीं होगी। देखिए कितने अच्छे तरीके से साफ सुथरी करके एक लाइन में कटिंग हो रहा है, ये है। तो थोड़ी मशीन पास में आती है तो मैं आपको और दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करती है और कटिंग करने में इसको कितना टाइम लगेगा। ये पूरा इसको कटिंग करने के लिए तकरीबन
डेढ़ दिन लग जाएगा, एक दिन आज पूरा हो जाएगा और कल भी आधा दिन लग जाएगा इनकी ये कटिंग के लिए। और जो आपको ये दिखाई दे रहा है गोल्डन गोल्डन, ये है बालू का पहाड़, ये प्योर बालू है, सोना डस्ट जो अपने यहाँ मिलता है, हमारे बिहार में ये बालू मिलता है। तो ये देखिए, कैमरा मैंने जूम किया हुआ है, बहुत दूरी पे है, अभी आपको जूम आउट करके दिखाऊंगा तो इसलिए। और जो मैंने आपको बताया था कैमल, वो रेगिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा, इसलिए जो कैमल्स हैं ऊंट, इनकी क्या बोलते हैं, जो इनका प्राइस है काफ़ी कॉस्टली है। देखिए कितना दूर है, काफ़ी लगभग 3 किलोमीटर तो होगा यहाँ से दूर। मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखा रहा हूँ, ये है बालू का पहाड़। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक मजरे में तकलीफ होती है, नहीं, सऊदी भी अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं सब, और रहने के लिए काफ़ी अच्छा सुविधा देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, खाना पानी भी देते हैं कुछ, और कुछ नहीं भी देते हैं। तो जो खाना नहीं देते हैं वो सैलरी थोड़ा ज़्यादा देते हैं, और जो खाना पानी देते हैं सैलरी थोड़ा कम देते हैं, और काम भी ठीक है। अगर कोई आना चाहे मजरा में काम करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन ये है थोड़ा सा काम करने के लिए उसको मजरे में सेट होना पड़ेगा, और मजरे में सेट होने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, और फिर आप बोलोगे, एजेंट को गाली दोगे, घर में उल्टा सीधा फ़ोन करके बोलोगे कि मुझे लाके यहाँ फंसा दिया या मैं फंस गया हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, मजरे का काम यही है। नंबर एक आपने देख लिया, ये काम होती है घास वगैरह की फसल जो लगती है। नंबर दो आपको मैंने बताया था, ऊँट का होता है, बकरी का होता है, मुर्गी है, कबूतर है, तो इनकी फार्मिंग होती है, और ये फार्मिंग सऊदी लोग करते हैं, इनमें प्रॉफिट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, इसीलिए सऊदी ये सब काम करते हैं। और वो खुद नहीं करते, उसके लिए आदमी रखते हैं, और ये नहीं कि आपको अकेला ही छोड़ देंगे, आपके ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे, नहीं, एक मजरा में तकरीबन 3 आदमी 4 आदमी होते हैं, और सबको मिलजुल के काम करना होता है, और सैलरी कुछ ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन स्टार्टिंग जो है 1500 रियाल मजरे में आपको मिलता है, 1500 रियाल, जिसमें खाना पानी सऊदी देते हैं, और कोई 1800 भी देता है, 1700 भी देता है, 2000 भी देता है। तो उसमें क्या है, खाना पानी क्या नाम है, अपना होता है, फिर सऊदी खाना पानी नहीं देता, देते हैं कभी कभी पार्टी साटी हो गया, वजूमा वगैरह हो गया। तो देखिए अभी मशीन जो है हमारे तरफ आ रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कितने अच्छे तरीके से मशीन कटिंग करती है, और इस मशीन को किसने डिजाइन किया है, कौन है वो इंजीनियर, उसको तो उसके नाम से तो 1 लाइक बनता है। अगर आप भी इस मशीन की कटाई देखेंगे तो आप भी बोलेंगे कि क्या बेहतरीन मशीन है, बहुत ही अच्छी मशीन है, बहुत ही अच्छी। इतना कटिंग करने के लिए जितना ये 1.5 दिन मैंने आपको बताया इसको लगेगा कटिंग करने में, अगर इसको आदमी अगर कम से कम 10 या 15 आदमी मिल के कटिंग करे तो इस पूरी फील्ड की कटिंग करने में तकरीबन 20-25 दिन लग जाएंगे। 20-25 दिन में अगर हो जाए कटिंग तो समझो कि जल्दी हो जाएगा। तो ये मशीन अभी हमारे तरफ आ रही है, तो अगर जो भी मजरे में आना चाहता है तो सबसे पहले अपने ऑफिस में कंफर्म कर लो, या सऊदी से अगर कांटेक्ट में है तो सऊदी से कंफर्म कर लो कि काम क्या है मजरे के अंदर में। बरसीम का काम है, ऊंट का काम है, बकरी का काम है, कबूतर है, मुर्गी है, घोड़े हैं, काम किस चीज़ का है, तब जाके आपको फ़ायदा होगा। और काम के हिसाब से सैलरी भी होती है, किसी की 2000-2500 रियाल भी मिलती है, काम के ऊपर डिपेंड करता है कितना मेहनत है। तो चलिए ये देखिए मशीन हमारे पास आ गई, और साउंड बहुत ही ज़्यादा है तो मैं कुछ अभी नहीं बोलूँगा, आपको सिर्फ मशीन को घुमा के दिखाऊँगा कि ये कैसे कटिंग करती है। और देखिए कितना जल्दी कटिंग करती है, 2 लाइन।
लोगों ने देख लिया कि ये मशीन कैसे कटिंग करती है।